जो कि पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी बैठे बैठे बैठे, उसके बाद आएगा नंबर। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चार मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये चार माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य भी थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा, प्रश्न संख्या एक, डॉक्टर रागिनी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट मांग, इस समय एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आधे से भी आधा लूंगा। आप बैठिए, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। आप बैठिए, एक सेकंड बैठ जाइए, एक सेकंड। क्या कहा? अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में, एक सकारात्मक चर्चा जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये सब पे चर्चा करेंगे आप? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे? हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुको ना यार, बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब आप बोल चुके, चलो माननीय सदन, चलो। अरे वर्मा जी, अब आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे तो दूर नहीं होंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर, तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया, मेरा आपसे निवेदन है,
नहीं नहीं आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो, अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान तो आप यहां खड़े हो सकते हो। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह में आप बैठो, करते हैं तू। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपसे सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पर चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पर जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आज चलने दो। हाँ, या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खा प्रश्न संख्या एक, डॉक्टर आग्नि। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले ढाई वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग है वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास न शुद्ध पेयजल है, न बिजली है, न पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से, ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे दो प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधे तरीके से बस बता दीजिए कि आज
उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है ये प्रदेश। आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुफ्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयू कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए ना उन वेंटिलेटर पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो सवाल था, उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम कर रही है, हमने इस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल्स के माध्यम से लगातार उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया है। जहां तक गंभीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में, और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, रजिस्टर्ड किया है, वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसें और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है, और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की, डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते, बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय हैं जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की, टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शियरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक देश से पहली बार दोनों जगह में कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें
विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जात धर्म संप्रदाय दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुने, अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया भाई जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही किसी का बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना फीस नहीं, अरे उत्तर आ जाने दीजिए, अरे भैया पानी दो, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ मुझे रोक रहेगा, ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो अच्छा, मैंने निकाल दिया जाए, उसको निकाल उसको निकाल देंगे। अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया, उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जमीनी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोट की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अध्यक्ष जी पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है, प्लीज बैठिए, तुफानी जी बैठिए, तुफानी पियो मिस्टर तुफानी, आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है, उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी, जो कुछ भी तुम्हारे जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुफानी, नहीं है आपको इस बात की इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको इजाजत नहीं है, प्लीज बैठिए, पानी जी बैठिए, तुफानी पानी पियो मिस्टर तुफानी, आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं, उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी, जो कुछ भी तुम्हारे जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुफानी, नहीं है आपको इस बात की इजाजत नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर आगे नहीं बैठिए, जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न वो पूछेंगे, बस अध्यक्ष महोदय मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे, क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी, और आज सिर्फ मरीजों का नहीं डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। और प्रश्न क्या आपका प्रश्न? ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार DGMA के पद को चेंज करके IAS ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? अध्यक्ष जी सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने लगाया है, सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निर्णय लागू किया है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
माननीय नेता प्रति माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में टीवी का जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा उपलब्ध है? यदि नहीं है तो कब तक पहुंचा दें? टीबी की दवा माननीय अध्यक्ष जी हर जगह उपलब्ध है। चूंकि ये दवा उत्तर प्रदेश में बनती नहीं है, बाहर से आती है, लगातार हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं और हम स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रश्न संख्या 2, श्री अतुल प्रधान 9, श्री अतुल प्रधान। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर देने का मौका दिया, आप प्रश्न पूछने का, उत्तर लेने का, सुन तो लो पूरी बात। चलो लेना देना बराबर करो, आगे चलो। तो इसमें माननीय माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8431 पद स्वीकृत हैं और 4426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत हैं अलग से। इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19,011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की, अब आया 8031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारी साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं, पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है। आप किसी CSC पर जाते हैं, PSC पर जाते हैं, वहाँ सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है CSC PSC पर पहुँचता बने, और CSC PSC पर हाल ऐसा है, ना वहाँ हड्डी का डॉक्टर है, ना वहाँ गायनी है, ना वहाँ रेडियोलॉजिस्ट, तो पूरी की पूरी जगहों पर ही कहीं नहीं है वहाँ, ना वहाँ पे सर्जन है, ना वहाँ पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और CSC PSC सहित जिला जो अस्पताल हैं उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए। मैं एक और सवाल करूंगा, दो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अनुपूरक भी की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला, इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना का चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरे नंबर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक आपका चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग प्रयागराज है, एक तो उससे चयनित करते हैं आप, उनकी तनख्वाह रखते हैं 60 से 70 हजार। NHRM जो है उससे आप लेते हैं, उससे आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ, हाँ स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, और मिलने के बाद में मैंने अपने CSC फलावदा का जिक्र किया कि CSC को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे, मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर CMO ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया। प्रधान, आप प्रश्न पे आइए सीधा, प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ साफ स्पष्ट, जो आपने प्रश्न निकाला,
मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, प्रश्न करिए, सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। सीधा आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में जब से आप मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की। दूसरा, आप जिस तरह एनएचआरएम के माध्यम से 5 लाख की तनख्वाह पर डॉक्टर रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन डॉक्टर जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं और नौकरियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको भी वही तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे? बैठिए माननीय मंत्री जी। मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं, इनको पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है एमबीबीएस होता है उसको लोक सेवायोग से 1 लाख रुपया है और जो विशेषज्ञ है उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बीडिंग से अंदर है। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा हमसे है कि अभी तक हमने कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया, कितने कार्यरत, हम पूरा बता रहे, पूरी सूची आपके सामने रखते रहे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से क्योंकि चिकित्सकों की कमी है तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं, ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक है। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2,299 है। देखिए प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8,431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या 4,426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से 226 है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 187 है। एनएचएम के माध्यम से 383 है। इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2,919 है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता से जो जनपद के जनपद स्तर पर जो मानक है हर हमारे पास जो प्रसूत रोग सहायक अध्यक्ष जी 1,167 है। निश्चेतक हमारे पास 1,428 है। बाल रोग चिकित्सक हमारे पास 1,529 है। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 है। पैथोलॉजिस्ट 175 है। जर्नल सर्जन 1,427 है। जर्नल फिजिशियन 1,387 है। नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 है। हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 है। कान नाक गला विशेषज्ञ 175 है। त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी है तो 145 है। मनोरोग विशेषज्ञ भी बताइए अब आपको क्या दिक्कत है, 129 है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट 75 है। फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए है 150 है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 है। इस प्रकार वो लिस्ट दे दिया है, हम कह सकते हैं नहीं यही जवाब है। इसमें देखिए माननीय उपमुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी।